ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए, हम सभी पूजा पाठ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सभी पूजा पाठ से जुड़ने के साथ साथ भगवान में विश्वास भी करते हैं, और यही विश्वास हमें भगवान से जोड़ता भी है, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहीं भगवान होते हैं। और जब हमारे मन में भगवान के प्रति विश्वास ख़त्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं दैवी शक्तियाँ भी हमारी मदद करना बंद कर देती हैं। पूजा पाठ हम करते हैं और बहुत भाव से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिनके कारण से हमें पूजा का फल नहीं मिल पाता है। तो ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं या ऐसी कौन सी गलतियाँ हो सकती हैं? उन्हें गलतियाँ तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ी सी अज्ञानता ही कह सकते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि हमसे अज्ञानतावत बस कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। हम भगवान से कहते हैं ना, हे प्रभु, हमसे अगर कुछ अज्ञानता बस गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। तो क्या गलतियाँ हो जाती हैं? तो पहली गलती क्या होती है कि जब भी हम, आप देखते हैं कि सुबह नहा धो के, फ्रेश हो के, स्वच्छ कपड़े पहन के हम भगवान के सामने बैठते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि जैसे ही नहा धो के आते हैं, स्प्रे डालना शुरू कर देते हैं, एल्कोहल वाला स्प्रे। आप खुद सोचिए कि आप भगवान के पास में जा रहे हैं और अपने बॉडी में एल्कोहल लगा के जा रहे हैं। ये चीज़ बहुत छोटी सी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा गौर से सोच के देखिए कि अगर ये एल्कोहल दैवीय शक्तियों को आकर्षित ना करता हो, या कुछ इस प्रकार से होता हो कि एल्कोहल लगाने से दैवीय शक्तियाँ आकर्षित ना होती हों, या वो आपके समक्ष ना आ पा रही हूँ सिर्फ इस एल्कोहल की वजह से, तो एक ये कारण होता है कि हम एल्कोहल लगा के भगवान के सामने ना बैठे। कुछ भी मेकअप सेकअप, एल्कोहल, ये स्प्रे, वो स्प्रे, डिओड्रेंट, तेल सेल, कुछ मत लगाइए। प्योर, जैसे ही आप नहा धो के आते हैं वैसे ही बस स्वच्छ कपड़े पहनिए, अपने आप को स्वच्छ रखिए और गंगा जल से अपने आप को पवित्र कर लीजिए, और ऐसे ही भगवान के सामने बैठ जाइए। मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान आपका मेकअप देखने नहीं आते हैं, भगवान आपका भाव देखने आते हैं कि आप किस भाव से उनके सामने बैठे हुए हैं। पवित्रता रहनी चाहिए आपके मन में, पवित्रता रहनी चाहिए आपके स्वच्छ कपड़ों में, पवित्रता रहनी चाहिए आपके उस स्थान पे जहाँ पे आप बैठ के पूजा कर रहे हैं। साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, जितना साफ़ सफाई से आप पूजा पाठ करेंगे उतनी ही दैवीय शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। तो पहली गलती हम यही करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा, सब लोग नहीं करते हैं ऐसा, कुछ लोग ही करते हैं, शायद अज्ञानतावश कर रहे होंगे, कि वो जैसे उन्होंने सुबह दीपक जलाया तो दीपक कुछ देर जलने के बाद में बुझ जाता है, तो शाम को उसी बाती को खसका के दीपक जला देते हैं। तो ये बिल्कुल मत करिए, सुबह की जलाई हुई बाती को शाम को मत जलाइए, क्योंकि जो चीज़ आपने सुबह समर्पित कर दी है उसे दोबारा से समर्पित नहीं कर सकते। जैसे कोई भोग प्रसाद एक बार समर्पित कर दिया जाता है तो उसी को उठा के दोबारा नहीं दिखा देते कि लो भगवान ये आपको समर्पयामि, ऐसा तो नहीं करते। उसी प्रकार से दीपक की बाती भी दूसरी लगाइए, दूसरी बाती जला के ही दीपक जलाइए। सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि कई लोगों ने इस प्रकार से कमेंट्स करके पूछा था कि हम ऐसे करके बाती जला सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं जलानी है। इसी प्रकार से क्या करना है कि जो बाती बचती है आपकी, बाती बच जाती है, फूल बच जाते हैं, या कोई भी पूजा सामग्री का सामान बच जाता है, उसको कूड़ेदान में नहीं फेंकना है। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, बाती निकालते सट से नीचे फेंक दे, अब वो पैरों से लग रही है, दब रही है, कचरे में गई, डस्टबिन में गई, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। जिस सामग्री का विसर्जन होना चाहिए था वो आपके पैरों से लग के कचरे में चली गई, तो उसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है। दुष्प्रभाव नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि भगवान को जो चीज़ आप समर्पित कर रहे हैं हृदय से, वो किसी के पैरों तले नहीं पड़नी चाहिए और गंदगी में नहीं जानी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिए कि पूजा की कोई भी सामग्री हो उसका विसर्जन ही करिए, उसको कचरे में मत फेंकिए, कूड़ेदान में मत फेंकिए। बातियों को एक डब्बे में इकट्ठा करते रहिए, कुछ समय बाद जाके उनको कहीं पर जला दीजिए, पानी में डाल दीजिए, गमले में गड़ा दीजिए, मिट्टी में कहीं दबा दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। जो भी पवित्रता से आप उसका विसर्जन कर पाए वैसे आप विसर्जन उसका कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसी प्रकार से जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो आप में से कुछ ही लोग ऐसा करते होंगे कि वो मंदिर की सफाई पे ध्यान नहीं देते, वो रोज़ रोज़ उसी में धूप जलाते जा रहे हैं, धूप जल जल के खूब सारी इकट्ठा हो गई, फूल पे फूल चढ़ाए जा रहे हैं, वो सब इकट्ठा होते जा रहे हैं, दीपक पे दीपक जलाए जा रहे हैं, और जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया तो महीने में एक आध बार उसकी साफ़ सफाई अच्छे से कर दी, उसके बाद फिर वो महीने भर ऐसे ही चल रहा है। तो ये मत करिए,
भगवान के मंदिर की जो सफाई है नित्य प्रतिदिन करनी है, पूरा साफ करना है। जो भी आप तिलक लगाते हैं, जो भी आप पुष्प चढ़ाते हैं, जो भी कुछ करते हैं उसको सुबह पूरा साफ करना है। उसके बाद दोबारा से फिर आपको उन्हें धूप दीप पुष्प और कुमकुम चंदन इत्यादि से उनकी पूजा करनी है। तो ये निश्चित करिए कि मतलब मंदिर की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। इसका कारण ये है क्योंकि जब भी हम आप भगवान का आवाहन करते हैं या किसी भी दैवी शक्ति का आवाहन करते हैं तो जब भी वो शक्तियाँ आएंगी तो उनको साफ़ सफाई दिखनी चाहिए। उनको साफ़ सफाई से वो शक्तियाँ ये कह सकते हैं कि आकर्षित होती हैं। अब वही पूरा गंदा पड़ा रहेगा, सुबह की बाती शाम को जला दी और वही पुष्प सूखे हुए पड़े हुए हैं, धूप खूब सारी इकट्ठा पड़ी हुई है, आपने साफ़ ही नहीं की, तो खुद सोचे कि वो दैवी शक्तियाँ कैसे आकर्षित होंगी आपकी तरफ। जब भी वो आएंगी तो अपना भोग प्रसाद जो भी लेने आती हैं या धूप जो भी पूजा आप करते हैं वो स्वीकार करने आती है, तो देखेंगी सब गंदा फैला पड़ा है तो कैसे स्वीकार करेंगी। तो ये आपको करना है। उसके बाद में क्या है कि जब भी आप पूजा पाठ कर लेते हो तो सब चीज़ समेटनी नहीं है कि सब हो गया तुरंत सब साफ़ कर दो, धूप बत्ती हटा दो, दीपक हटा दो, प्रसाद हटा लो, ऐसा ये सब चीज़ तुरंत नहीं करनी है। उसको रखा रहने दीजिए, उसको जब नेक्स्ट पूजा जब तक आप नहीं करते हैं तब तक वो सामान सब ऐसे ही रखा रहेगा, क्योंकि दैवी शक्ति आएंगी वो सब चीज़ें स्वीकार करती हैं, इसलिए तुरंत सब चीज़ नहीं। आपने देखा होगा कथा होती है तो पंडित जी कहते हैं ना ये सब साफ़ सफाई नहीं करनी, ऐसा नहीं कि सब झाड़ पोंछ करके फेंक दो, ऐसा नहीं करना है आपको। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि तुरंत इस तरह से नहीं करना है, मंदिर की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। एक कारण और हो सकता है, जो क्या होता है कि हम पूजा पाठ तो कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, मंदिर भी साफ़ कर रहे होते हैं, स्वच्छता का भी ध्यान रख रहे होते हैं, धूप दीप भी जला रहे होते हैं, लेकिन भोग नहीं चढ़ा रहे होते हैं। कई सारे घरों में मैंने ऐसा देखा है कि वहाँ धूप दीप तो रोज़ जलाते हैं, सुबह भी दीपक जला रहे हैं, शाम को भी जला रहे हैं, पुष्प भी अर्पित कर रहे हैं, दीप भी अर्पित कर रहे हैं, धूप भी अर्पित कर रहे हैं, लेकिन ना भोग अर्पित कर रहे हैं और ना ही जल अर्पित कर रहे हैं। आप किसी भी देवी देवता को पुकार रहे हो, आवाहन कर रहे हो, बुला रहे हो और आप उन्हें भोग नहीं दे रहे हो, आप उन्हें जल नहीं दे रहे हो, तो आप खुद सोचिए कि अगर कोई दैवी शक्ति आएगी उसे ना भोग मिल रहा है ना जल मिल रहा है तो वो कैसे आकर्षित होगी। क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं वो भी भोग मांगती हैं, वो भी आपसे चाहती हैं कि आप उन्हें भोग दें, चाहे वो कोई भी हो, आपके पितृ देवता हों या फिर आपके कुल देवी देवता हों, स्थान देवता हों, ग्राम देवता हों, कोई भी देवी देवता हो सकते हैं, आपके इष्ट देवी देवता हो सकते हैं, तो सभी को भोग चाहिए होता है। अगर आप भोग अर्पित नहीं करेंगे तो कोई शक्ति आकर्षित नहीं होगी आपके पास में। ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ मिठाइयाँ लेके आए उनके ऊपर अर्पित करें, जो भी आपके पास में है श्रद्धापूर्वक अर्पित करिए। कुछ नहीं है, चीनी है, मिश्री है, जो कुछ भी है जैसा भी आप अर्पित कर सकते हैं, जो भी देवी देवता को जो पसंद होता है थोड़ा सा ही अर्पित करिए, लेकिन अर्पित करिए, देखिएगा उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। आप एक महीना ये सारी चीज़ें करके देख लीजिए, आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा और सारी चीज़ें धीरे धीरे ही बदलेंगी। एक साथ कुछ नहीं बदलता है, आप ये मत सोचो कि एक साथ में सारी चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि हर चीज़ के बदलने में थोड़ा समय लगता है। योग बनते हैं उसके बाद ही सारी चीज़ें बदलना शुरू होती हैं, लेकिन बदलते निश्चित हैं क्योंकि आपका विश्वास है, और जितना आपका पक्का विश्वास होगा उतनी ही चीज़ें बहुत जल्दी से बदलेंगी। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।